हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब से रिलेटेड। हाँ गाइस, यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि जिस पर आप देख रहे हो उससे रिलेटेड वीडियो 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 कुछ भी निकल जाता है गाइस, तो काट दूंगा मैं उसको। वैसे तो बंद नहीं काटा मुझे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पर जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उस पर लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, मतलब किस टाइप के कमेंट करते हैं। जैसे कोई आपके मम्मी पापा की उम्र बढ़ा रहे हैं, मतलब जिस जेन्युइन कमेंट नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी उठा के कोई भी कोई फ़ोन चेंज करके कमेंट कर देता है, मतलब कैसे कैसे कमेंट है। तो गाइस, आज मैं चलो, पहले तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको बता दूं, पहले मैंने सोचा था कि लैपटॉप लेके बैठूंगा, लैपटॉप पर मैं फिर वो यूट्यूब चलाऊंगा और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर मैं लैपटॉप रख देता और मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता और सीधा रिकॉर्ड भी होती रहती है और लैपटॉप में चलता रहता, उसको मैं सेट कर देता स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग को। पर गाइस, जैसे मैंने यूट्यूब लैपटॉप में चलाने की कोशिश करी तो वो ना थोड़ा हैंग हो रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा फ़ोन का यूज़ करना पड़ा। और अब मैंने फ़ोन पर ही रिकॉर्डिंग करी है, पता नहीं ये हुई होगी, मैं इसको लगा दूंगा। तो गाइस, मैं भी खोलता हूँ, चलते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने किसी को, जो मेरी आईडी में मैं चला रहा हूँ, इस पर मैंने किसी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो अपना आप ही ऑटोमेटिक जो मेरे को आ रहे होंगे, दिख रहा होगा, वो अपना आप ही आ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो अभी ये आ रहा है, नीरज चोपड़ा जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है, उनके लिए भाई क्लैपिंग बनती है, पहला गोल्ड। और चलते कमेंट, ट्रेंडिंग वाली वीडियो निकालते हैं, है ना। पहले चलते हैं, फर्स्ट पर है BTS, ये यार यूट्यूब वाली। चौबीस घंटे में 27 मिलियन व्यूज इस वीडियो पर। कमेंट में चलते हैं, इसके तो कमेंट ही नहीं है, इसके तो कमेंट ऑफ है। मेरे को शो नहीं हो रहा गाइस, आप लोगों को शो हो रहा हो, मेरे को शो नहीं कर रहा वैसे इसके कमेंट। चलो सेकंड पे जो ट्रेंडिंग पे, उस पर चलते हैं। यह है, वे चिल्ड्रन आर कंसिडर आर गिफ्ट ऑफ गॉड्स, ए मोटिवेशनल स्टोरी। दुष्यंत कुकरेजा की सेकंड, मतलब सेकंड पर है, ट्रेंडिंग पर है, 2 डेज हो गए हैं, 17 मिलियन व्यूज़ हैं। दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग पर ये वीडियो प्ले करते हैं। छोटी वाली आइसक्रीम की रेट पूछी, वेटर ने गुस्से से कहा 12 रुपए की है। लड़की ने कहा छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने क्या पैसे है? दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रूप आंसू में तो मेरे भी आ गए। 3 रुपए छोड़े थे। यह देखकर वेटर मन ही मन शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि एक छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात सिखा गई। स्टॉप करते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है। इससे अच्छे कोई छोटे लड़के ले लेते तो काफ़ी अच्छी वीडियो होती है और ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं जो उन्होंने पिन इन कर रखा है, हर्षिता बिष्ट, दीदी एक्शन एंड रिएक्शन आर सो गुड, प्लीज़ आप लोग ऐसे ही वीडियो डालते रहे और हम सब आपको ऐसे भी सपोर्ट करते रहे रहा। पता नहीं कैसे कैसे देखते नहीं कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं, मतलब स्पेलिंग कैसे थे। और इस कमेंट के नीचे हैं 2600 लाइक, इस कमेंट के नीचे हैं देखो, मतलब और 97 लोगों ने कमेंट किया इस वीडियो के नीचे। अब मतलब वो वाले तो मेरे को कमेंट अभी इसमें दिख भी नहीं रहे, वैसे तो मेरे को दिखते हैं कि जो बढ़ाते रहते हैं आपके मम्मी पापा की उम्र वगैरह, एज बढ़ जाए मम्मी पापा के, ऐसा कोई कमेंट अभी इसमें कोई दिख नहीं रहा मेरे को, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। और सेकंड कमेंट है, एवरी वन वाओ सच अ काइंड गर्ल, मैनुअल में 20 12 रुपये में इतनी अच्छी आइसक्रीम कहाँ मिलती है। भाई बंदे ने दिल जीत लिया, मतलब उसने रियलिटी बता दी, 12 रुपये में यार आइसक्रीम पहले मिलती थी जो गलियों में आ जाते हैं,
पर अब तो 12 रुपये में 10 की हो सकती है। मैं तो 12 रुपये में तो 12 रुपये तो कहीं रेट भी नहीं होता, मतलब 2 रुपये किसके पास खुले होते हैं। कोई अच्छा सा कमेंट ढूंढते हैं, मतलब जो वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं किया होगा जैसे ना। ओ सो इमोशनल, आई एम क्राइंग। सच्ची में रोना आ गया, मुझे तो नहीं आया भाई रोना, मेरे अंदर शायद फीलिंग नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ ना शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। तो गाइस, और शेयरिंग इज क्राइंग दिस स्टोरी इज बेस्ट व्हेन आई सो मैटर। क्या है, दोबारा देखते इस वीडियो में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कुछ मिसिंग कर दिया पार्ट, मुझे लग रहा है मैंने कोई मिसिंग कर दिया पार्ट, दोबारा प्ले करते हैं। एक 8 साल की लड़की आइसक्रीम पार्लर गई। वेटर बोला, क्या चाहिए बेटा? लड़की बोली, ये आइसक्रीम कितने की है भैया? वेटर ने कहा, 15 रुपए की। लड़की ने अपना पॉकेट चेक किया, फिर छोटी वाली आइसक्रीम की रेट पूछी। वेटर ने गुस्से से कहा, 12 रुपए की है। लड़की ने कहा, छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने पैसे दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रूप में 3 रुपए छोड़े थे। यह देखकर वेटर मन ही मन शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि एक छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात सिखा गई, कि आपके पास जो कुछ भी है उससे दूसरों को। पहले लड़की के एक्सप्रेशन देखो, वो एक्सप्रेशन दे कर रही है। खुश करने की कोशिश करूं, इसीलिए आज समझ आता है कि बच्चों को भगवान का रूप क्यों माना गया है। मुझे लगता है मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, मेरे को तो वीडियो बिल्कुल भी बेकार लगी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कौन सा इसमें, शायद बच्ची होनी चाहिए थी, कौन सा अच्छा लगता, मतलब एक आर्टिस्ट के तौर पर किसी बच्चे को रोल देते तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो इसमें फनी लग रहा है, कोई मतलब सैड वाले तो कोई फीलिंग मेरे को आई नहीं, या मेरे अंदर ही कुछ अलग चीज़ की कोई है, भगवान ने कुछ फीड नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है। गाइस, और तीसरे नंबर पे हैं मॉम्स गिफ्ट मिडिल क्लास फैमिली सुमित। ये यार मिडिल क्लास वाली काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ये नीचे भी यही है, एलविस यादव की वीडियो है, भाई बस भाई मिडिल क्लास फैमिली, मतलब सब एक ही। अभी पिछले 2 दिन पहले एक और वीडियो थी लड़के की थी, वो ऐसी था उसका भी, मैं देखता हूँ शायद वो ट्रेंडिंग पर थी, वो फर्स्ट पे थी, अब देखते हैं कौन से नंबर पर हैं। माय फर्स्ट फैमिली रोड ट्रिप मिडिल क्लास, सब पे मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास हैं ये बंदे जो डाल रहे हैं। ये थी अदिति शर्मा की थी, ये ट्रेंडिंग पर थी कुछ टाइम पहले, मतलब 2 दिन हो गए मेरे ख्याल से, ये ट्रेंडिंग पर थी मिडिल क्लास फैमिली की सेकेंड हैंड स्कूटी, और इसकी इसने ना वीडियो में सब ओवर एक्टिंग ज़्यादा करी है, मुझे तो इसकी ये हर वीडियो में ओवर एक्टिंग करती है, पर कहीं कहीं इसकी वीडियो अच्छी लगने लग जाती है, ऐड आ गई ना यार, स्किप करने का भी नहीं आ रहा, हो गया 5 सेकंड इसके ऐड देखने पड़ेंगे, आपने कार जीती है। चलो आ गया। ऑटो वालों के इतने नखरे हो रखे हैं, आप स्कूटी ले लो। कमेंट सेक्शन में चलते हैं, यानी क्या कर्सिव वाली राइटिंग में कमेंट कर रखा है ये, पहले क्या गूगल खोलते हैं वहाँ से कमेंट मतलब अपने टाइप करते हैं, फिर वहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करके फिर यहाँ पर कमेंट करते हैं, एक ही नहीं है इस लड़के ने, लड़का ही होगा, लड़की पर इतना टाइम तो होगा नहीं, 3 कमेंट किए हैं इसने, और इस पर लाइक भी है, 14 लाइक है, 6 कमेंट है इसके पहले वाले कमेंट पर, और दूसरे वाले पे वही सेम कमेंट है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसने लिखा हुआ है आई एम सब्सक्राइबिंग टू एवरी वन वो सब्सक्राइब टू मी एंड लाइक दिस कमेंट, मतलब जो उसको सब्सक्राइब करेगा ये उल्टा उसको सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, तो लोगों ने इसको 14 एक पे कमेंट, तीनों कमेंट सेम ही है, फ़ोन चेंज करा हुआ है ना गूगल पर, ये पहले इसने
टाइप करा होगा, फिर गूगल पे फोन चेंज किया होगा। दूसरा पर्सन है, बंदा है कोई, उसने भी ऐसी कमेंट करा हुआ है और वही फोन टच है। इसके भी 4-5 हैं। हाँ ये थोड़ा है अभी। डिज़ाइन, मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। भाई मजा आ गया, भाई ने दिल छीन लिया, छोड़ लिया इसने, भाई दिल की बात कह दी। भाई के लिए लाइक तो बनता है, मैं भी लाइक करूँगा। देखते इसके कमेंट में लोगों ने क्या लिखा हुआ है। ऐसे गुड भी नहीं होते हैं। आलोक राज ने लिखा है, ऐसे गुड गुड भी नहीं होते हैं। और शालिनी मिश्रा ने लिखा है, या ट्रू आर ऐसे फ़ोन में बैठे भी नहीं करती हैं, बातें भी नहीं करती होगा, मतलब गलत थोड़ी स्पेलिंग हो जाती है, जल्दीबाजी में करते नहीं। और कोई पढ़ते हैं, कोई कमेंट, जब हमें कुछ चाहिए होता ना कि कमेंट कोई, वैसे तो वह दिखते रहते हैं हम, वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को दिख नहीं रहे, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़रूरत है मुझे इस कमेंट की दिखाने के लिए। अगर मैं वैसे ही चला रहा होता ना यूट्यूब खाली अपना, तो मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट दिखते रहे गाइस, मैं बता नहीं सकता, मतलब फ़नी वाले। मैं मुझे वीडियो में कोई हंसी नहीं आती है, पर कमेंट देख के इतनी हंसी आ जाती है, मतलब कोई मोटिवेशन स्पीक अपने यहाँ पर लिख देता है, मोटिवेशन करने के लिए कमेंट में लिख देता है। इससे बड़े भाई तो इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट कर देकर, उस पर मतलब पोस्ट बना देकर, इन जो लिख रखा है हाईलाइट, जैसे इसने लिखा हुआ है के हाल राहुल से चैनल बना रखा है इसने, इसने लिख रखा है, ज़िंदगी में आपसे बस आपके माँ बाप ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे। मतलब यहाँ पर कमेंट करने का फ़ायदा क्या, मतलब भाई तो कुछ काम तो मुझे लग नहीं रहा था कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ पर कमेंट कर रहा है, पहले वो कर, मुझे पता था वैसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ इस पर करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो है, लोगों ने कुछ तो लिख रहा होगा। ये 4 दिन में इसने ले लो के बत्तीस ले, एक बार लोगे तो बार बार लोगे, इसी बत्तीस पे कुछ। मिलियन पहले गाइस सुन लो मेरी बात, इस पर 4 दिन हो गए और उस पर 32 मिलियन व्यूज़ हैं, और सिंपल ये 1 मिनट की वीडियो है। कमेंट सुनते हैं इसके, ये है, और मैं बता देता हूँ ये कौन से ट्रेंडिंग पर है। 5 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रही है वीडियो, मैं रैंक कर रही है यूट्यूब पर। तो गाइस के कमेंट पढ़ते हैं, दिल से भी और दिमाग से भी। ये क्या कमेंट है यार, दिल से भी और दिमाग से भी, ये तो मैंने कहीं सुना हुआ डायलॉग, किसी मूवी का डायलॉग है। तेरा दिमाग किधर, मतलब तेरा दिमाग किधर है, यू राइट प्रो। हाँ, भाई सही कहा, पता नहीं ये लिंक किस चीज़ का अच्छा बना, चैनल का डाल लेते हैं लोग सब्सक्राइब करने के बाद। और क्या, कौन सादे हुए केले खरीदता है, सड़े हुए केले खरीदता है। अच्छा हाँ सही कहा आपने। और ये कल करेगा PJHJJJL, भाई यहीं पर ही इंग्लिश की टाइपिंग सीख रहे हो क्या, कोर्स कर रहे हो क्या यार यूट्यूब पर, कोई 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 हिंदी की कोई इंग्लिश की, मतलब कुछ भी टाइप कर दे तो यार, इतने भी वेले बैठने का क्या है, मतलब इतने सारे मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आते रहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाओ, 10,000 कमाओ, लाख कमाओ, उनसे यार कॉन्टेक्ट कर लो, वो भाई यही बोलते हैं कि मुझे सब्सक्राइब कर लो तो हम आपको घर बैठे वर्क दे देंगे, मतलब आपकी जॉब कर देंगे। तो यार उनसे ही कॉन्टेक्ट कर लो, ना फॉलो कर लिया करो आप, ऐसे छोड़ो यार मैं क्या बोल रहा। और कहाँ कहाँ से होना चाहिए ये भी बता दो अब। चलो दूसरे कमेंट देखते हैं, फनी सा ढूंढते हो, कोई फनी कमेंट ढूंढते गाइस। देखो गाइस ये फिर इस पर, मतलब ये दूसरी वीडियो है, पर यहाँ पर भी उन बंदों ने सेम कमेंट किया हुआ है, मतलब फोन चेंज किया हुआ है और यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है इन बंदों के पास, जितने भी हैं ये, मतलब क्या होता है ना, मैं अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं अब लॉकडाउन की तो मैं बता देता हूँ। तो गाइज लॉकडाउन लगा हुआ था ठीक है, और घर पे सभी बैठे थे, तो न्यू न्यू मूवी मेरे ना यूट्यूब पर ही, यूट्यूब यूज़ चला रहा था, तो मैं देख रहा था कि नई मूवी हो, तो मैं यूट्यूब पर ही मूवी देख रहा था। तो बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन पर हॉलीवुड की मूवी है, पूरी पूरी मूवी है, मतलब मूवी रिलीज हुई है, कोई भी मूवी रिलीज हुई है,
तो उन्होंने कोई भी वीडियो डाल दी और उस टाइटल लिख दिया ये है मूवी है, और थंबनेल लगा दिया नई मूवी का, और लोग प्ले कर रहे हैं कि यार ओ यूट्यूब पर नई वीडियो आ गई, तो लोग प्ले कर देते हैं, बाद में तो देखे ना देखे वो काट ही देते पर उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, वो इसलिए कर रखा है। ऐसा मत किया करो यार, बहुत दिल से बुरा लगता है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे कोई भी सबसे पहले मतलब यूट्यूब से तो मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं कोई भी जैसे किसी अभी मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मतलब जो मेरा डॉग है नोडी वो ना मैं चला रहा था तो वो ना उस पर चढ़ के चला गया, तो उसकी स्क्रीन ना उल्टी सीधी हो गई, तो मेरे से वो हो नहीं रहा था, मतलब मुझे पता कैसे करते पर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कोई वीडियो होगी जिससे पता चल जाए कि वो कैसे हटेगा। तो हमें ना हम वीडियो जब सर्च देखते हैं ढूंढते हैं तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं, कोई 18 मिनट की आ जाती है, कोई 17 मिनट की आ जाती है। पहले हमें जो मतलब जो मेन पार्ट होता है ना वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमें एक तो ज़रूरत होती है जल्दीबाजी में, हमें वो जानना है कि कैसे करना है। हमें सिंपल बता दें वीडियो में कि ये ऐसे होगा, वो पता स्टार्ट करते हुए क्या बोलते हैं, पहले तो उनका इंट्रो आएगा, इंट्रो इतना बड़ा कर देते हैं 4 मिनट का इंट्रो, ये वीडियो है, और वो फिर आते साथ क्या कहेगा आज हम बताने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। भाई हमें पता है कि किस चीज़ के बारे में, हमने तेरा थंबनेल देख लिया है कि हमें तभी हमने ये वीडियो प्ले करी है, और तेरा टाइटल भी देख लिया है तभी तो हम यहाँ पर आए ना, तो बताने का क्या मतलब है, तो सीधा पॉइंट पर आना। तो वो आगे बोलेगा हम इस बारे में बात करने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखना मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, मतलब इतना ये बोल रहा है, इससे बड़े वो पूरा ऐसे कर करके 15 मिनट खींच देता है, 18 मिनट की वीडियो है और वो ऐसे करके 15 मिनट खींच देता है, और जो पार्ट होता है ना मैन जो बताने वाला होता है वो 3 मिनट का होता है गाइस, और लास्ट में। तो कभी कभार ना हम ना वीडियो प्ले करने से पहले हम ना कमेंट सेक्शन में जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि इसने सच्ची में ये प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, तो हम कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो क्या देखते हैं, हमें होता है कि किसी ने भाई किसी का काम हो गया होगा, मतलब इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा तो किसी ने तो लिखा होगा नाइस हेल्पफुल वीडियो है, मतलब हमारा काम हो गया, अच्छी वीडियो है नाइस, किसी ने थैंक यू बोल रखा होगा तो पता चल जाता है कि वीडियो में कुछ है। तो हम पहले कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं सीधी सी बात है, तो हम देखते हैं, तो लोग ना अलग ही अपनी कहानी बताता, कोई नहीं है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, मतलब अपनी एक कहा महाभारत। तो हम ढूंढते ढूंढते फिर एक कमेंट मिलता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तब हम प्ले कर देते हैं। पर इसीलिए थोड़ा यूट्यूब पर ना थोड़ा भरोसा उड़ चुका है, लोग ना खाली पे लिए उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ऐसे, तो गाइस नेचुरल कमेंट किया करो, जेन्युइन कमेंट किया करो, ऐसे मत किया करो यार। कोई वीडियो होती है अगर आपको कुछ अच्छा लगा पार्ट तो उस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कर रहे हो तो अच्छा लगता है, आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो, मैच की बात कर रहे हो तो यूट्यूब की बात करो गाइस, मतलब मैं कहने का मतलब है जिसका चैनल है जिसके पे तुम वीडियो देख रहे हो जिसके थ्रू आप वीडियो पर आए हो, तो उससे रिलेटेड जो आपने वीडियो में देखा है कुछ भी देखा है, मतलब जो पर्सन आया है उसके बारे में बात करो, नहीं करने तो मत करो, सीधे सीधी सी बात है, मेरा ये कहने का मतलब है। यस तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस पहले मेरे को ये बता दो कि इतनी रोशनी अच्छी है ना, मतलब रोशनी देखो मैं बढ़ा सकता हूँ ये देखो, अब अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, और भी है रोशनी तो और हो जाएगी, पर मेरे को ना थोड़ा ऐसे इस तरह से ना थोड़ा अच्छी थोड़ी फीलिंग सी आ रही है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक, और मेरा फेस भी थोड़ा मतलब वीडियो देखते हुए ना आंखों में थोड़ा कुछ नहीं पड़ेगा, मतलब वीडियो प्ले करते ना आपको थोड़ा देख पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सैड में कर दिए हैं लाइट को, लाइटिंग थोड़ा डिम कर दी है, कम कर दी है, अगर आपको अच्छा लग रहा तो बता देना, अगर लाइट बढ़ानी है तो मैं बढ़ा दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।